हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने घर पर ही रह के ऑनलाइन सीख रहे होंगे। तो जो गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है कि हमें घर से बाहर नहीं जाना है, जो भी है हमारे लिए है, बस कुछ दिनों की बात है। हमें सुरक्षित रहने के लिए और अपने घर वालों को सुरक्षित रखने के लिए थोड़ा परहेज से रहना होगा, जितना कम हो सके बाहर निकलें। आप नहीं जानते हैं कि आप बाहर जा रहे हैं, जिससे मिल रहे हैं वो किससे मिला होगा, तो थोड़ा कोरोना से डरिए, बच के रहिए, सफाई पर ध्यान दीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इससे पहले ये आज मैं क्लास 8th का इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले हम लोग पढ़े थे मेज़र फॉर मेज़र। हाँ, तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सिक्किम। तो चलिए देखते हैं क्या है सिक्किम में। तो इसमें वार्मर में कुछ है आप लोगों के लिए। हैव यू एवर विजिटेड अ माउंटेनियस स्टेट? इफ येस, टेल क्लास अबाउट इट्स पीपल, फूड हैबिट्स, ड्रेसेस, क्लाइमेट एट्सेट्रा। तो आपसे कहा जा रहा है कि क्या आपने कभी किसी पहाड़ी राज्य में घूमा है, कभी पहाड़ी स्टेट मतलब कहीं गए हैं? अगर हाँ तो अपने क्लास में इसके बारे में लोगों से बात कीजिए कि वहाँ के जो वहाँ का फूडिंग है, फूड का जो हैबिट है वो कैसा है, उसके बाद वहाँ कपड़े कैसा किस तरह के पहने जाते हैं, मतलब खाना किस तरह का खाया जाता है, वहाँ का खाना कैसा है, कपड़े किस तरह के पहने जाते हैं और वहाँ का मौसम कैसा है, तो ये सब बात आपस में कीजिए। तो चलिए अब आपका चैप्टर शुरू होता है, देखिए क्या है। सिक्किम इज अ टाइनी माउंटेनियस स्टेट इन द हार्ट ऑफ द ईस्टर्न हिमालयाज। तो सिक्किम एक छोटा ऐसा टाइनी एक पहाड़ी राज्य है और यह कहाँ स्थित है? हिमालय के बीच में, हिमालय में स्थित है। देखिए यहाँ बहुत बार इसे टीनी पढ़ते हैं लेकिन इसे टाइनी पढ़ा जाएगा, बहुत बच्चे को मैंने सुना है कि टीनी पढ़ देते हैं, तो इसे आप लोग टाइनी पढ़िएगा और इसे हार्ट पढ़िएगा। हाँ, हर्ट नहीं, हर्ट एक अलग वर्ड हो जाता है, तो बहुत बच्चे हार्ट को हर्ट पढ़ देते हैं तो वो सही नहीं है। इट इज़ बाउंडेड बाय द तिब्बतन प्लाटू इन द नॉर्थ, द चुंबी वैली ऑफ तिब्बत एंड द किंगडम ऑफ भूटान इन द ईस्ट। तो ये जो है ये घिरा हुआ किससे है, किससे बाउंडेड है? तो नॉर्थ में तिब्बतन प्लाटू से। हाँ, तो प्लाटू मतलब पठार और तिब्बत का पठार से घिरा हुआ है। किधर? नॉर्थ में यानी उत्तर में। द चुंबी वैली ऑफ तिब्बत एंड द किंगडम ऑफ भूटान इन द ईस्ट, और ईस्ट में पूरब में किससे घिरा हुआ है? चुंबी घाटी, चुंबी वैली और तिब्बत से, तिब्बत और भूटान से, इन तीनों जगह से, तीनों चीज़ों से घिरा हुआ है। पूरब में नेपाल इन द वेस्ट, और पश्चिम में किससे घिरा हुआ है? नेपाल से। एंड दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल इन द साउथ, और दक्षिण में किससे घिरा हुआ है? दार्जिलिंग से, और दार्जिलिंग कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, हमारे देश में। इन 1975 सिक्किम बिकम द 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। 1975 में सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना। टोटल रहते हैं, यहाँ की जनसंख्या क्या है? तो 540,493 एंड अ टोटल एरिया ऑफ 7,096 स्क्वायर किलोमीटर्स, और इसका टोटल एरिया क्या है? 7,096 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सिक्किम इज़ द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। तो सिक्किम जो है भारत का सबसे सबसे क्या है, कम जनसंख्या वाला राज्य है। तो चलिए ये पैराग्राफ खत्म होता है, अब आगे बढ़ते हैं। द वर्ड सिक्किम इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। ये जो सिक्किम है ये दो शब्दों से मिलके बना है, सू एंड खाइम। पहला क्या है? सू है और दूसरा खाइम है। सू मीन्स न्यू, सू का मतलब क्या होता है? नया। एंड खाइम मीन्स पैलेस और हाउस, और खाइम का मतलब क्या है? महल या घर। देयरफॉर द वर्ड मीन्स न्यू पैलेस और हाउस
इन रेफरेंस टू द पैलेस बिल्ड बाय द स्टेट्स फर्स्ट रूलर फुनसोक नामग्याल। तो ये जो है इसका मतलब क्या हो गया, सिक्किम का मतलब कि नया महल या घर। और ये ऐसा नाम क्यों रखा गया, इस तरह का नाम किससे लिया गया, ये जो सिक्किम के पहले शासक थे ठीक है फुनसुक नामग्याल, उनके द्वारा जो बनाया गया महल था उससे प्रेरित होके सिक्किम नाम रखा गया ठीक है। द तिब्बतन नेम फॉर सिक्किम इज डेंजोंग, तो इसका एक तिब्बतन नाम है यानी तिब्बत में जो इसका नाम है वो क्या है, डेंजोंग है, विच मीन्स द वैली ऑफ राइस, और जिसका मतलब क्या होता है, वैली ऑफ राइस यानी चावलों चावल की घाटी ठीक है। अब चलिए देखिए अब आगे क्या है, सिक्किम इज डिवाइडेड इनटू फोर डिस्ट्रिक्ट्स विच इंक्लूड ईस्ट सिक्किम, वेस्ट सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम एंड साउथ सिक्किम। सिक्किम को चार जिलों में बांटा गया है, पहला है ईस्ट सिक्किम, दूसरा है वेस्ट सिक्किम मतलब पूर्वी सिक्किम, पश्चिमी सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम यानी उत्तरी सिक्किम और दक्षिणी सिक्किम। द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आर गैंगटोक, कैजिंग, मांगन एंड नामची रेस्पेक्टिवली। और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो क्या क्या है, इन सभी चार जगहों में जो बांटा गया है सभी जगहों का हेडक्वार्टर क्या है, जैसे कि गैंगटोक हो गया जो कि सिक्किम की राजधानी भी है, उसके बाद कैजिंग हो गया, उसके बाद मांगन हो गया और नामची। हाँ तो अब जैसे ईस्ट सिक्किम का गैंगटोक, वेस्ट सिक्किम का गेजिंग रेस्पेक्टिवली, मतलब जिस हिसाब से जिस अनुसार ऊपर में ये बांटा गया है उसी हिसाब से इसका हेडक्वार्टर ये है। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है, गैंगटोक इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम लिटरली मीनिंग अ हाई हिल। तो गैंगटोक जो है वो क्या है, सिक्किम की राजधानी है और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, हाई हिल यानी ऊंची पहाड़। इट ऑफर्स मैग्निफिसेंट व्यूज ऑफ द स्नो क्लैड कंचनजंगा, द वर्ल्ड्स थर्ड हाइएस्ट पीक विच इज रिगार्डेड एज द गार्डियन डाइटी ऑफ सिक्किम। तो इसका मतलब गैंगटोक से जो है आप यहाँ से जो है कंचनजंगा को मतलब बर्फ से ढके हुए कंचनजंगा को देख सकते हैं, उसका बड़ा ही मनमोहक दृश्य आप आपको दिखेगा गैंगटोक से कंचनजंगा का। और कंचनजंगा क्या है, दुनिया का तीसरा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और इसे जो है सिक्किम का संरक्षक देवता भी कहा जाता है, सिक्किम का मतलब रक्षा करने वाला ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। पीक हाईएस्ट पीक यानी यहाँ चोटी होता है, पीक का मतलब सबसे ऊंची पहाड़ी है। हाँ गार्डियन डाइटी संरक्षक देवता। तो अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है, सिक्किम इज रिच इन फ्लोरा एंड फौना। तो फ्लोरा एंड फौना का मतलब क्या होता है, जीव जंतु, मतलब जो फ्लोरा का मतलब होता है वनस्पति और फौना का मतलब पशु वर्ग ठीक है। तो सिक्किम इज रिच इन फ्लोरा एंड फौना, स्ट्रीम्स, एनिशियंट मोनेस्ट्रीज एंड लेक्स। तो यहाँ जो है नदी, फ्लोरा एंड फौना हो ही क्या, जीव जंतु, नदी, उसके बाद पुराने बहुत प्राचीन मठ और झील, ये बहुतायत मात्रा मतलब बहुत ज़्यादा है यहाँ। द फ्लोरा ऑफ सिक्किम इंक्लूड्स द रोडोडेंड्रन, द स्टेट ट्री, ऑर्किड, फिग, बनाना, साल्ट ट्री एंड बैम्बू। तो ये जो सिक्किम में जो फ्लोरा है, जो पेड़ पौधे हैं वनस्पति हैं, उसमें मुख्य क्या क्या है, जैसे रोडोडेंड्रन है एक तरह का पेड़ है जो कि वहाँ का राजकीय पेड़ भी है, ऑर्किड है, ऑर्किड एक फूल होता है, उसके बाद फिग, फिग जानते होंगे, अंजीर, बनाना, केला, साल्ट ट्री और बैम्बू। तो ये सभी चीज़ें तो है ही, उसके बाद देखिए और है, ओक, चेस्टनट, मैपल, बर्च, एल्डर एंड मैग्नोलिया ऑल्सो ग्रो इन लार्ज नंबर्स। तो इसके अलावा ये सब जो है, ये सब भी बाकी सब जो आप देख पा रहे होंगे, ये भी पेड़ पौधे के ही नाम है, ये सब भी बहुत आयात मात्रा में पाया जाता है ठीक है। चेस्टनट मतलब एक तरह का नट है अखरोट जैसा, और मैपल एक तरह का छायादार वृक्ष है मैपल, ये बर्च जो है एक तरह का आप कह सकते हैं एक पतला ऐसा, इसके टहनी से ना स्कूलों में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, टीचर्स यूज करते थे पहले बच्चों को सजा देने के लिए ठीक है, तो जिसको सन्टी भी कहा जाता है बर्च। और फिर देखिए
एक एल्डर है, तो यह भी एक तरह का वृक्ष है। और ये जो मैगनोलिया है, ये एक तरह का एक बड़ा ऐसा फूल होता है, ये बहुत ज़्यादा वहाँ पाया जाता है, तो फूल का एक पौधा होता है ये। तो उसके बाद देखिए, द ऑर्किड डेंड्रोबियम नोबिल इज द स्टेट फ्लावर ऑफ सिक्किम। तो ऑर्किड जो है वहाँ का क्या है, राजकीय फूल है, मतलब मुख्य फूल है सिक्किम का। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ टफ नेम्स हैं, इसे आप बार बार रिपीट कीजिएगा, पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। द फौना ऑफ सिक्किम इंक्लूड्स द स्नो लेपर्ड, द मस्क डियर, द भोड़ा, द हिमालयन तार, द रेड पैंडा, द हिमालयन मरमोट, द सैरो, द गोराल, द बार्किंग डियर, द कॉमन लंगूर, द हिमालयन ब्लैक बियर, द क्लाउडेड लेपर्ड, द मार्बल्ड कैट, द लेपर्ड कैट, द वाइल्ड डॉग, द तिब्बतन वुल्फ, द हॉग बैजर, द उसके बाद देखिए, बिंटुरोंग बिंटुरोंग, द जंगल कैट, ठीक है, सिवेट कैट। तो ये सब जो है वहाँ के मुख्य जानवर हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से जानवर हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। स्नो लेपर्ड, लेपर्ड मतलब बच्चों आप लोगों को पता होगा ना, तेंदुआ होता है, तो जो बर्फ वाला तेंदुआ होता है वो हो गया। उसके बाद मस्क डियर मतलब होता है बच्चों कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग आप लोग जानते होंगे, सुना सुना होगा आप लोगों ने नाम। तो घोड़ाल भी एक जानवर है, नाम है आप देख पा रहे होंगे, ये जानवर का नाम है। उसके बाद हिमालयन तार, ये भी एक वहाँ पाया जाता है, एक जानवर है। द रेड पांडा, पांडा आप लोगों ने देखा है, तो पांडा भी पाया जाता है, लाल रंग का पांडा। उसके बाद हिमालयन मरमोट, अब हिमालयन मरमोट क्या है, देखिए मरमोट जो है एक मामोट, एक गिलहरी प्रजाति का ही जानवर है, जो कि गिलहरी से थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक है द सैरो, सैरो जो है एक बकरी प्रजाति का जानवर है। तो ये सैरो जो है, इसका बड़ा लंबा दाढ़ी होता है, बहुत लंबे बाल होते हैं। फिर देखिए आपका एक है द गोराल, गोराल भी एक हिरन प्रजाति का है। तो गोराल की खासियत ये है, देखिए हिरन में बहुत सारे कैटेगरी आते हैं, आप लोगों ने जब हिरन को देखा होगा तो देखा, कुछ हिरन का जो है सिंग बहुत बड़ा होता है, टहनीदार होता है, कुछ हिरन बिना सिंग वाला होता है, कुछ हिरनों का देखिएगा सिंग जो है पीछे मुड़ा रहता है। तो ये जो गोराल होता है, इसका सिंग पीछे मुड़ा होता है। द बार्किंग डियर, यह भी एक मतलब भूखने वाला डियर, ये वहाँ पाया जाता है। द कॉमन लंगूर, जो सामान्य लंगूर है, वो भी वहाँ पाया जाता है। द हिमालयन ब्लैक बियर, ये भी एक जो हिमालय में ब्लैक काले रंग का जो भालू पाया जाता है, वो भी वहाँ है। द क्लाउडेड लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड एक ये हो गया आपका मतलब धुंधला ऐसा लेपर्ड होता है, अलग तरीके का उस पर छाप होता है, वो लेपर्ड पाया जाता है। तेंदुआ, द मार्बल्ड कैट, एक बड़ा ही सफ़ेद ऐसा सुंदर ऐसा एक बिल्ली, वो पाई जाती है। द लेपर्ड कैट, एक तेंदुआ जैसी ही बिल्ली पाई जाती है। मतलब बहुत सारे जानवर वहाँ, अनोखे जानवर पाए जाते हैं, जो कि हमारे हम लोगों ने बहुत कम देखा है, हमारे आसपास ज़्यादा नहीं मौजूद है, वहाँ है। हाँ, द वाइल्ड डॉग, उसके बाद जंगली कुत्ते, द तिब्बतन वुल्फ, वुल्फ जानते होंगे, भेड़ियन, तिब्बतन वुल्फ भी वहाँ पाए जाते हैं, भेड़िया। उसके बाद द हॉग बैजर, यह भी एक प्रकार का जानवर ही है, हॉग बेजर जो कि मतलब जानवर है, और नाम है उसका हॉग बेजर। आप लोग कभी मौका मिलेगा तो देखिएगा, गूगल में सर्च कीजिएगा हॉग बेजर, उसका नाम ही हॉग बेजर है, आप लोग देख पाएंगे। उसके बाद द बिंटुरोंग, यह भी मतलब बिंटुरोंग भी एक लोमड़ी के जैसा जीव होता है, बिंटुरोंग वो है। द जंगल कैट, जो जंगली बिल्ली है। उसके बाद द सिवेट कैट, एक सिवेट कैट होता है, जिसको मस्क बिलाव भी कहते हैं, ये भी बिल्ली प्रजाति का ही एक है, बड़ा थोड़ी बड़ी होती है। अमंग द एनिमल्स मोर कॉमनली फाउंड आर यॉक्स, तो सबसे ज़्यादा यहाँ क्या बहुतायत मामले में क्या पाया जाता है, याक पाया जाता है, जिसको एक मतलब कह सकते हैं मेनली यहाँ का वो जानवर है जिसका उपयोग हर जगह होता है, मेनली रेयर्ड रेयर्ड फॉर देयर मिल्क। तो इसे जो है खास तौर पर पाला जाता है, रेयर मतलब पाला जाता है, दूध के लिए, मीट एंड एज अ बीस्ट ऑफ बर्डन, दूध के लिए, इसके मीट के लिए, मांस के लिए, और बोझ बोझा ढोने के लिए। तो इसमें याक का बहुत ज़्यादा यूज होता है।
उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, द बर्ड्स फाउंड इन सिक्किम इंक्लूड द एम्पेयन फीजेंट, ठीक है, तो ये एक तरह का तीतर होता है, ये वहाँ पाया जाता है, एक प्रकार का तीतर है, नाम है हाँ एम्पेयन फीजेंट, द क्रिम्सन हॉर्न फीजेंट, और एक और पक्षी जो कि सिंग वाली तीतर वो भी वहाँ है, द स्नो, तो ये पार्ट्रीज, तो ये भी एक तरह का तीतर प्रजाति का ही पक्षी है। उसके बाद स्नो रूस्टर, रूस्टर मतलब जानते हैं ना मुर्गा, तो ये बर्फीला मुर्गा। उसके बाद लेमर ग्रेयर एंड ग्रिफॉन वल्चर्स, तो ये वल्चर्स मतलब एक तरह का गिद्ध, गिद्ध को कहते हैं ना, तो ये एशिया का सबसे बड़ा गिद्ध यहाँ पाया जाता है, होता है, जो कि शिकारी होता है, ठीक है। हाँ तो कहाँ था, हाँ वल्चर्स एज वेल एज गोल्डन ईगल्स, तो ईगल्स भी पाए जाते हैं सुनहरे। उसके बाद क्वेल, प्लोवर्स, वुडकॉक, सैंड पेपर्स, पिजन्स, बेवलर्स एंड रॉबिन्स, मतलब बहुत सारे पक्षी आपको यहाँ पाए जाते हैं। गोल्डन ईगल तो जानते होंगे, ईगल जो गरूड़ होता है, हाँ सुनहरा गरूड़। उसके बाद जैसे कोयल, तो कोयल तो बटेर होता है। उसके बाद प्लोवर्स, प्लोवर्स ये नाम ही है। उसके बाद वुडकॉक भी इस तरह एक नाम है चिड़िया का, जो वहाँ पाया जाता है। सेंड पैपर्स मतलब टिटहरी होता है, ये भी एक तरह का चिड़िया ही है, मतलब जो भी है चिड़िया के, पिजन मतलब जानते हैं, कबूतर, बेबलर्स भी एक मतलब चिड़िया का नाम है, चिड़िया की प्रजाति का नाम है जो कि वहाँ पाया जाता है। रॉबिन्स भी एक बस वही रॉबिन चिड़िया का ही नाम है। तो इस तरह के वहाँ बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, जो भी जैसे हम सबों ने देखे, हम सब ने देखा जो भी था यहाँ। तो अब आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या है। सिक्किम इज प्रीडोमिनेंटली इनहैबिटेड बाय द लेपचाज, द नेपालीज एंड द भूटियाज। तो यहाँ मुख्य तौर पर कौन 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 रहते हैं, तो जैसे लेपचाज हो गए, नेपालीज हो गए और भूटियाज हो गए, ये सभी वहाँ मुख्यतः ये लोग ही रहते हैं, मतलब इन लोगों की जनसंख्या अधिक है। उसके बाद देखिए, नेपाली इज द लिंगुआ फ्रांका ऑफ सिक्किम, तो सिक्किम का एक मतलब कह सकते हैं कि नेपाली वहाँ बोला जाता है, मुख्य रूप से बोला जाता है सिक्किम में, मतलब सिक्किम में नेपाली भाषा का भी मुख्य रूप से यूज होता है। इंग्लिश एंड हिंदी आर ऑल्सो स्पोकन एंड अंडरस्टूड इन मोस्ट ऑफ सिक्किम, और इंग्लिश और हिंदी भी ज़्यादातर सिक्किम में समझा जाता है। अदर लैंग्वेज स्पोकन इन सिक्किम इंक्लूड, इसके अलावा भी बहुत सारे भाषाएं, जैसे कि उसमें क्या क्या है देखिए, भूटिया, गुरुंग, लेपचा, लिंबू, मगर, नेवारी, राई, शेरपा, सुनुअर एंड तमांग, तो ये सभी भाषाएं वहाँ बोली जाती हैं, इसका उपयोग होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए क्या है, द पीपल इन द रूरल एरियाज ग्रो कार्डमम, जिंजर, ऑरेंज, एप्पल, टी एंड ऑर्किड्स, तो जो रूरल एरिया है, जो देहाती क्षेत्र हैं, तो वहाँ क्या क्या उगाया जाता है, वहाँ क्या किस चीज़ की खेती ज़्यादा की जाती है, तो उसमें कार्डेमम, कार्डेमम मतलब आप लोग जानते हैं ना, इलायची, जिंजर मतलब जिंजर, अदरक, ऑरेंज की भी खेती होती है वहाँ, संतरा की, सेब की, और चाय भी सिक्किम में उपजाया जाता है, और ऑर्किड्स मैंने बताया था ना, ऑर्किड्स वहाँ का जो मुख्य फूल है। उसके बाद देखिए, राइस इज ग्रोन टू ऑन द हिल साइड्स ऑफ द साउदर्न एरियाज, तो उसका जो एक दक्षिणी एरिया में जो पहाड़ी एरिया है, वहाँ चावल की भी खेती होती है। सिक्किम इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्डमम इन इंडिया, देखिए यहाँ ये एक जीके की बात है कि इलायची जो है भारत में सबसे अधिक कहाँ उपजाई जाती है, तो सिक्किम में। द मिनरल्स माइंड इन सिक्किम आर कॉपर, अब यहाँ खनिज लवण की बात हो रही है जो वहाँ सिक्किम में पाई जाती है, उसमें देखिए क्या क्या है, आर कॉपर, कॉपर जानते हैं ना, तांबा, उसके बाद डोलोमाइट, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट, माइका, आयरन एंड कोल, तो ये सब खनिज लवण है जो कि वहाँ पाए जाते हैं। तो इसमें डोलोमाइट तो हो ही गया, लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर, ग्रेफाइट आप लोग जानते ही हैं, ये सब केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, माइका, अभ्रक,
आयरन, लोहा और कोल, कोयला, तो ये सभी चीज़ें वहाँ पाई जाती हैं। उसके बाद देखिए, द पीपल ऑफ सिक्किम सेलिब्रेट मेजर इंडियन फेस्टिवल सच एज दिवाली एंड दशहरा। तो हम लोगों का जो मुख्य त्यौहार है, दिवाली है, दशहरा है, वो सिक्किम में भी सेलिब्रेट किया जाता है। एज द पीपल ऑफ सिक्किम मोस्टली फॉलो बुद्धिज्म, तो वहाँ के लोग, ज़्यादातर लोग क्या फॉलो करते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं। द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हियर आर एसोसिएटेड विद द बुद्धिस्ट फेस्टिवल्स। तो यहाँ जो भी त्यौहार उसके अलावा मनाए जाते हैं, तो उसमें ज़्यादातर कौन से त्यौहार होते हैं जो कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए त्यौहारों को यहाँ मनाया जाता है। द पॉपुलर फेस्टिवल्स दे सेलिब्रेट इंक्लूड, अब यहाँ कुछ त्यौहार जो वो लोग मनाते हैं उसमें कौन कौन सा है देख लीजिए आप। सभी त्यौहारों का नाम दिया गया है, जैसे लोसार, सागा दावा, लाहबाब, लाबाब द्वेचेन, फांग लाबासोल, दुर्बका तेसी, बोमचू, लुसुंग, तिहार, दसैन एंड क्रिसमस। तो कुछ नाम अलग लग रहा होगा, अलग है भी। तो ये सभी त्यौहार वहाँ मनाए जाते हैं। तो ये था, तो चलिए अब उसके बाद तो कुछ खास तो है नहीं, कुछ वर्ड्स आप लोग देख लीजिए। माउंटेनियस, सराउंडेड बाय माउंटेन, पर्वतीय, पहाड़ों से घिरा हुआ। उसके बाद बाउंडेड, सराउंडेड मतलब घिरा हुआ। इनहैबिटेंट्स, ज्वेलर्स जो वहाँ के निवासी हैं, लिटरली वर्ड फॉर वर्ड शाब्दिक। हाँ, और उसके बाद देखिए, मैग्निफिसेंट मतलब डिसेंट, शानदार, सुंदर, व्यू सीनरी, दृश्य, नज़ारा, क्लैड मतलब ढका हुआ। और उसके बाद रिगार्ड, समझा जाना, माना जाना, फ्लोरा वेजिटेशन मतलब वनस्पति, फौना जीव जंतु, मॉन्स्ट्रीज मठ, प्रीडोमिनेंटली मुख्यतः प्रमुखता से, लिंगुआ फ्रांका मुख्य भाषा जो वहाँ का संपर्क भाषा। तो ये सब था। उसके बाद देखिए, आप लोगों के लिए कुछ जो आप लोगों को करना है, ये घर में जरूर कीजिएगा, सभी बच्चे नहीं करते हैं। कीजिएगा तो आपका ही बेनिफिट है, नहीं कीजिएगा तो आपका नुकसान है। जितना कीजिएगा उतना सीखिएगा। तो अब देखिए, कुछ यहाँ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि आप इसका आंसर दीजिएगा, ये बना के आप ग्रुप में सेंड कीजिएगा। वाई सिक्किम कंसिडर्ड अ टाइनी स्टेट, इसको छोटा राज्य क्यों माना जाता है सिक्किम को। बाय विच प्लेटू इज सिक्किम बाउंडेड इन द नॉर्थ, वट इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो सिक्किम जो है नॉर्थ में मतलब उत्तर में किसी से घिरा हुआ है, किस पठार से घिरा हुआ है। और उसके बाद आपसे सवाल है कि भारत के नॉर्थ में क्या है, इंडिया के उत्तर में क्या है। वेन डिड सिक्किम बिकम अ स्टेट ऑफ इंडिया, वेन डिड बिहार कब बिकम अ स्टेट। तो आप लोग देखिएगा, इसमें तो दिया हुआ है कि सिक्किम जो है इंडिया का स्टेट मतलब एक स्टेट कब बना। और फिर नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार जो है राज्य कब बना, मतलब बिहार को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ। तो ये सभी आप लोग देखिएगा खोज के, बहुत लोगों को तो पता भी होगा, बताइएगा। द वर्ड सिक्किम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू विच टू वर्ड्स, विच टू वर्ड्स, व्हाट डू दे मीन, कैन यू टेल हाउ हैज बिहार गॉट इट्स नेम। तो आपको ये बताना है कि सिक्किम जो है किन दो शब्दों से बना है और उन दो शब्दों का मतलब क्या है। क्या उसके बाद नेक्स्ट है कि क्या आपको यह पता है कि मतलब क्या आप बता सकते हैं कि बिहार को इसका नाम कैसे मिला, मतलब बिहार नाम कैसे रखा गया, बिहार ही नाम हमारे राज्य का नाम बिहार क्यों पड़ा। नेक्स्ट देखिए, हु आर द प्राइम इनहेबिटेंट्स ऑफ सिक्किम, तो सिक्किम में मुख्य रूप से कौन निवास करते हैं, इसके निवासी कौन है। इसी तरह जो भी क्वेश्चन आंसर है आप लोग कीजिएगा, सारा कुछ आसान है, कुछ खास टफ नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। चलिए अगले क्लास में फिर मिलते हैं।